हेलो गाइज, बहुत सारे लोगों के कमेंट के बाद मैं आपके लिए ले आया हूँ पिक्समा G3012 प्रिंटर, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप इस प्रिंटर के बारे में आप एक रिव्यू वीडियो बनाइए। तो इसी के लेकर के आज मैं आपके लिए फाइनली ये मैं प्रिंटर ले आया हूँ और आप सभी को इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलता है। हालांकि प्रोडक्ट तो आज मेरे पास कई सारे हैं, इस सभी का रिव्यू करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसका हो सकता है वीडियो अगले वाले में आ जाए। तो आज सिर्फ बात करेंगे पिक्समा G3012 प्रिंटर की। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो देख सकते हैं कैनन का बेस्ट प्रिंटर जो कि इंक टैंक प्रिंटर आता है, इसमें आपको बेस्ट फैसिलिटी मिल जाता है। यह एक वायरलेस प्रिंटर है। तो चलिए इस सभी के बारे में तो देख सकते हो, ये सारा प्रोडक्ट मेरे पास है। हालांकि आज मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करके, देख सकते हैं हमारे पास है ग्लोसी पेपर, स्टार का सेंचुरी पेपर, आईडी कार्ड, लेमिनेशन पेपर और भी कई सारे प्रोडक्ट आया है रिव्यू के लिए। तो हालांकि सबके बारे में आज मैं किसी पर बात नहीं करने वाला हूँ। देख सकते हैं इसका लुक किस इस तरीके से आता है, जो कि कंपनी का डायरेक्ट पैकिंग है। यह प्रोडक्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने का कोशिश करूँगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपके सामने रिसीव होगा कोरियर बॉय द्वारा। तो चलिए फाइनली इस प्रिंटर का स्पेसिफिकेशन के बारे में आप सभी को बताते हैं और दिखाते हैं इसमें आपको इसमें आखिर क्या क्या फीचर देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए फटाफट से चाकू के सहारे इस प्रिंटर को फाइनली गाइस देख सकते हैं। ये सारा प्रिंटर का लुक किस तरीके से दिखता है। ये सभी प्रोडक्ट को मैं रखता हूँ साइड में। ये सभी का रिव्यू वीडियो जल्द से जल्द आपको इस चैनल का प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। तो फटाफट से इसको रखते हैं साइड में। आप सभी को इसके बारे में बताते हैं कि आपको आखिरकार इसमें क्या क्या ऐसा फैसिलिटी मिलता है जो एक बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसमें सबसे बड़ी बात तो इसमें आपको वायरलेस प्रिंटर है, या इसमें आपको स्कैन, कॉपी एंड प्रिंट आउट सभी का ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलता है। देख सकते हैं इसका बॉक्स कुछ इस तरीके से, देख सकते कुछ इस तरीके का बॉक्स रिसीव होता है। तो चलिए फटाफट से बिना कोई देरी के इसको अनबॉक्स करते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। तो फटाफट से क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर एक चाकू के सहारे इसको यहाँ से सील को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट, तो जैसे ही आप इस बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये पावर केबल। देख सकते हैं ये पावर केबल है, हालांकि इसको रखते हैं साइड में। और भी यहाँ पर आपको मिल जाता है प्रिंटर का जो पीसी उसी से कनेक्ट करने के लिए केबल मिल जाता है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आपको काफ़ी सेफ्टी के साथ ये यहाँ पर आपको मिल जाता है 6 इंक बॉटल्स, यानी कि 6 इंक बॉटल है, जिसमें से ब्लैक काफ़ी बड़ा मिल जाता है क्योंकि ब्लैक का यूज कुछ ज़्यादा होता है। इसी कारण से इसमें आपको 3 ब्लैक इंक और भी 3 टाइप्स का आपको इसमें येलो और भी कई प्रकार के 3 प्रकार के इसमें आपको इंक बोतल जो कि कंपनी द्वारा फ्री दिया जाता है। देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का है। इसमें आपको 2 कार्ट्रेज, एक ब्लैक कार्ट्रेज और एक प्रिंटिंग के लिए कार्ट्रेज फ्री में दिया जाता है। तो देख सकते हैं ये कितना सेफ्टी के साथ आपको रिसीव होता है। तो चलिए फटाफट से इसको रखते हैं साइड में बिना देरी किए। देख सकते हैं ये आपको 6 बोतल फ्री में, इसे आप 7000 के आसपास में ब्लैक प्रिंट और 7000 के आसपास में इसमें आप कलर प्रिंट निकाल सकते हैं। ये प्रिंटर की सबसे खास बात यह है कि इसी कलर से आप इस प्रिंटर का पैसे वसूल सकते हैं। तो फटाफट से इसको रखते हैं साइड में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको प्रिंटर रिसीव होता है। देख सकते हैं ये प्रिंटर को काफ़ी सेफ्टी के साथ यहाँ पर आपको एक इस तरीके का बॉक्स मिलता है। इसमें आपको कुछ यहाँ पर आपको मैनुअल गाइड मिल जाता है। देख सकते हैं आप इस मैनुअल गाइड के माध्यम से आप इस प्रिंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हालांकि इसको आप कौन यूज करता है इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर आपको मैनुअल गाइड मिल जाता है। आपको वीडियो लंबा ना बने इसके लिए मैं रखता हूँ इसे साइड में। देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर आपको DVD ड्राइवर के साथ कुछ इंस्टॉलेशन का मैनुअल गाइड मिल जाता है कि किस तरीके से इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए ये DVD ड्राइवर है, हालांकि इसका उपयोग अब नहीं करता है कोई। इसमें आपको कई सारे प्रकार के प्रिंटर में यही DVD ड्राइवर आता है, जैसे G3010 का, 3010 का, 3000
10 का इंस्टॉलेशन और भी कई सारे प्रिंटर का इंस्टॉलेशन के लिए यही DVD ड्राइव एडिसिव होता है। तो इसको भी रखते हैं साइड में, देख सकते हैं यहाँ पर, आपको इसको रखते हैं साइड में। यहाँ पर फाइनली गाइज मेरे पास है वायरलेस प्रिंटर, जिसका कमेंट कई सारे लोगों का आ रहा था। हालांकि इसको रखते हैं इस बॉक्स को साइड में, इस प्रिंटर को रखते हैं यहाँ से, इस बॉक्स को देख सकते हैं इसमें किस तरीके का पर्ची हमें मिला है, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये प्रोडक्ट मैंने किया हूँ परचेज फ्लिपकार्ट से, तो हालांकि इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का कोशिश करूँगा, आप डायरेक्ट उस लिंक से इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोडक्ट को भी रखते हैं, सॉरी इस बिल को भी रखते हैं साइड में और आप सभी को दिखाते हैं। देख सकते हैं इस बॉक्स में कुछ इस तरीके का स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड का बहुत मोटे अक्षर में लिखा हुआ है G3012। तो देख सकते हैं इसमें आपको पेजेज आप जो है 6000 ब्लैक पेजेज और सॉरी और हाँ सॉरी 6000 आप इस इंक से ब्लैक पेजेज और इसमें आप 7000 कलर पेजेज निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये कलर कोड है, यहाँ पर देख सकते हैं इस हिसाब से आप उसमें इंक में इंक फिल करेंगे। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं ये रहा प्रिंटर। तो हालांकि इसको काफ़ी सावधानी पूर्वक आप निकालेंगे, तो चलिए मैं इसको भी सावधानी पूर्वक देख सकते हैं, सेफ्टी के साथ काफ़ी सेफ्टी के साथ भेजा गया है इस प्रोडक्ट को। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं, देख सकते हैं काफ़ी सेफ्टी के साथ इस प्रोडक्ट को, इसको जब हटाते हैं तो फाइनली गाइस ये देख सकते हैं हमारे पास है कैनन का G3012 प्रिंटर, जिसका बहुत सारे लोगों का ये प्रिंटर का रिक्वायर्ड रहता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आप G3012 प्रिंटर के ऊपर एक रिव्यू वीडियो दीजिए कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलता है। विशेष डिटेल्स तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्योंकि प्रिंटर में आपको वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लॉक देखने को मिलता है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेटवर्क यानी कि वायरलेस है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्रांड का नाम, यहाँ पर पावर ऑन बटन मिल जाता है, नेटवर्क का डायरेक्ट मोबाइल से भी इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डिस्प्ले है, यहाँ पर जो है आप प्लस कर सकते हैं, स्टॉप भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई पेज एक्स्ट्रा हो जाता है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ब्लैंक पेज के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन है, स्टार्ट होने के बाद कलर करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिक्समा के बेस्ट ब्रांड लोगो लगा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप इस पर वो करते हैं तो आपको देख सकते हैं एक्सपीरियंस क्रिएटिव डिलीवरी, यहाँ पर अगर आपको प्रिंट सॉरी कलर उलर के लिए कोई चीज़ करना है तो यहाँ से आप स्कैन करेंगे डायरेक्ट आपको इसका प्रिंट के लिए वो लिंक आ जाएगा कंपनी का। तो देख सकते हैं इसको यहाँ पर आप वो डालेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर इसका कुछ लुक इस तरीके का है, यहाँ पर आपको ब्लैंक के लिए ब्लैक इंक के लिए और यहाँ पर आपको 3 मिल जाता है कलर इंक बोतल इंटर फिल करने के लिए। तो फटाफट से बिना देरी किए इसको यहाँ से जब आप करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके का मिल जाता है स्कैन के लिए, ये ऑटोमेटिक कस्टमाइज भी हो जाता है। देख सकते हैं इसमें कुछ मोबाइल दिया हुआ है, इसमें आपको अगर कोई मोटा वोटा पेज है तो आप यह ऑटोमेटिक कस्टमाइज कर लेगा। तो चलिए इसको रखते हैं, इसमें आप काफ़ी सावधानी से रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी मोटे होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर आपको इस तरीके का है। तो चलिए इसको जो है रखते हैं, सॉरी यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसको जब पहले आप इस लॉक को ओपन कर लेंगे, इसको जो है चाकू के सहारे काफ़ी सावधानी पूर्वक ओपन करेंगे ताकि इसके ऊपर किसी भी तरह के दबाव ना आए। तो चलिए मैं इसको हटा करके, ये ब्रांड का लॉक लगा हुआ है और इसको जो है देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर आप अपना पेज को फिल वो करेंगे, पेज डालेंगे और यहाँ से सॉरी इसको अभी यहाँ से क्या करेंगे आप इसको सॉरी माफ़ कीजिएगा क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको क्या करना होगा इस लॉक को हटाना होगा। जैसे ही आप इस लॉक को हटाएंगे तो यहाँ से प्रिंटर का जो है कार्ट्रिज लगाने के लिए यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं इसमें USB पोर्ट कहाँ लगता है ये आप सभी को दिखाता हूँ। देख सकते हैं इसका आप डायरेक्ट कंप्यूटर या PC से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको USB पोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप USB से चलाना चाहते हैं तो USB से या आप फ़ोन से भी डायरेक्ट कनेक्ट करके प्रिंट आउट दे सकते हैं। तो चलिए इसको हटाते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर
हैंड प्रेस करके यहाँ पर उठाएंगे तो आपको यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ओपन हो गया है, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो सॉरी, ये थोड़ा सा अभी कुछ इसका लॉक हमें खोलना नहीं चाहिए था, खोल दिया हूँ। तो जैसे ही आप इसको ओपन कर देते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो जो कार्ट्रिज दिया हुआ है वो दोनों को यहाँ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर जब आप इसको ऐसे उठाएंगे तो यहाँ पर आपको तीन कलर प्रिंट बोतल, जिसका यहाँ पर देख सकते हैं इस कलर का, यहाँ पर कलर का लोगो दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर है उसके हिसाब से ये सारा सी से ये सब कोड मिला करके आप इसमें इंटर कर लेंगे। वैसे इसमें आपको खास बात यह मिलता है कि अगर आप इसमें गलत इंक का बोतल इसमें आप वो डालना चाहेंगे तो यहाँ से डलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके हिसाब से इसमें वो दिया रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लैक इंक फिल करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। तो इसको जैसे हटाएंगे यहाँ पर आप इंक के बोतल इसमें डालेंगे। सो गाइज, मैंने क्या किया, सभी टैंक में फिल कर लिया। इसके बाद क्या करेंगे, इस सारे बोतल को यहाँ से ये सारे कैप को बंद कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये सारे जो ढक्कन है ये सारे को बंद कर देंगे। इसके बाद ये सारे बोतल को आपको सावधानीपूर्वक करना है, इसमें का किसी भी तरह के इंक किसी भी तरह के चीज़ों पर ना। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का जितने भी लॉक दिखे ये सारे लॉक को आपको हटा सबसे पहले यहाँ पर आपको कार्ट्रिज लगाना पड़ता है। तो कार्ट्रिज लगाने के लिए यहाँ से देख सकते हैं, इसको जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको कार्ट्रिज लगाने के लिए यह रेडी हो जाएगा। इससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, कार्ट्रिज लगाने से पहले आप इस लॉक को यहाँ से ओपन कर लेंगे, देख सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लॉक को इस तरीके से ओपन कीजिएगा तो ये इसका लॉक जो है इस तरीके से इसको हटा देना होगा ताकि यह प्रिंटर रेडी हो जाए। तो चलिए इसको आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसका प्रिंट आउट देंगे। तो यहाँ पर से इसको हटाते हैं और यहाँ पर से इसको यूं हटाते हैं और इसमें जो है दोनों कार्ट्रिज को इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे ही मैंने आप सभी को पहले ही दिखा दिया कि यहाँ पर आपको दो तरह के कार्ट्रिज देखने को मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर यह है ब्लैक कार्ट्रिज और यहाँ पर यह है कलर कार्ट्रिज, यानी कि इसमें आपको दो कार्ट्रिज लगाना पड़ता है जो कि अलग अलग टाइप के हैं। तो इस दोनों कार्ट्रिज को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। इस दोनों में देख सकते हैं सीसे कलर और बी4 ब्लॉक ब्लैक, तो इस दोनों में आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पिन को रिमूव करना होगा। सो जिस तरह से मैंने आप सभी को बोला था कि इस दोनों कार्ट्रिज को आपको इंस्टॉल कर लेना होगा, तो इसको क्या करना होगा, आपको यहाँ से इसको इस तरीके से हटा लेना होगा। इस इसके ऊपर जो कवर लगा हुआ है इसको हटा लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कार्ट्रिज भी इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर सारा इंक भी फिल कर दिया और देख सकते हैं इसको हटा देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको यूँ इस तरीके से प्रेस करके, हालांकि इसको जब आप एक बार उठाएंगे ऑटोमेटिक ये लॉक लग जाता है यहाँ पर, तो क्या करेंगे आप इसको एक बार ऊपर के साइड उठा करके इसके बाद आपको ऐसे नीचे के साइड गिरा देंगे। ये अब ऑटोमेटिक बैठ गया है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको यूँ करके बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पेपर के लिए यहाँ पर आपको इस तरीके से देख मिल जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले इसमें आप किसी भी तरह के पेज को प्रिंट करके आप सभी को दिखाते हैं। इस प्रिंटर में मैं अभी यूज करने वाला हूँ ये वाला सेंचुरी पेपर, देख सकते हैं ये सबसे बेस्ट सेंचुरी पेपर है। इसमें आपको बहुत ही बेस्ट 75 GSM का पेपर देखने को मिलता है। अभी इसमें से 80% दुकानदार जो है यही पेपर का यूज करते हैं। तो आप भी क्या करेंगे, वैसे इसमें आप ग्लॉसी पेपर भी लगा सकते हैं। तभी मैं इसी प्रिंटर पे इसको कॉपी करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट बार जाएंगे तो यहाँ पर आपको अप डाउन करने वाला पेज के हिसाब से आपको कस्टमाइज करने वाला ऑप्शन मिल जाता है बैक में यहाँ पर। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से यू हैंड प्रेस करके इसको पीछे कर देंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपना पेज को इसमें आप डाल देंगे। तो चलिए हम पेज को डाल लिए हैं। यहाँ पर अभी हम किसी भी तरह के एक पेज को प्रिंट आउट करके आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले पावर इसमें सप्लाई दे देना है। पावर सप्लाई देने के बाद आपको क्या करना है, प्रिंटर को सबसे पहले पावर बटन पर प्रेस करके ऑन कर देना है। तो चलिए ये सारा करके आप सभी को दिखाते हैं। पावर सप्लाई का कनेक्शन, पावर सप्लाई का केबल लगाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको
प्रिंटर के लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक पोर्ट्स मिल जाता है, देख सकते हैं, यह पोर्ट्स लगाने के, यहाँ पर आपको क्या करना है, पोर्ट्स को इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने पोर्ट्स को इंस्टॉल कर दे रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं पावर को ऑन करता हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया है, इसका जो है पावर को ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के लिए पावर बटन को प्रेस करेंगे। जब आप प्रेस करेंगे तो कुछ वाइब्रेट करेगा प्रिंटर, यहाँ पर आपको डिस्प्ले में कुछ मेरे दिखाई प्यारे देगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो आता रहे। चलते मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।